और अब बात करते हैं जयपुर की, जहां पर विश्वकर्मा नगर इलाके में एक बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पानी इतना ज्यादा भर गया कि उनके डूबने से मौत हो गई। बेसमेंट में पानी अब भी भरा हुआ है, पंप के सहारे ये पानी निकाला जा रहा है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर जैसा हादसा ये सामने आया है। जयपुर में भी विश्वकर्मा इलाके में ये हादसा हुआ है, बेसमेंट में पानी भर गया और वहां 3 लोगों की डूब करके मौत हो गई है। घर के बेसमेंट में अभी भी पानी भरा हुआ है। जयपुर में भी दिल्ली के राजेंद्र नगर जैसा हादसा हुआ, जहां दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक बेसमेंट की लाइब्रेरी में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की डूब करके मौत हुई थी। वहीं जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में घर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की जान गई है, अभी भी बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। उत्तर भारत के अलग अलग शहरों में पानी के जबरदस्त प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई गाड़ियां डूबी हुई हैं, सड़कें धंस चुकी हैं और तस्वीरें काफी भयावह नजर आ रही हैं। लेकिन बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई गाड़ियां डूबी हुई हैं। ऐसी तस्वीरें भी अलग अलग जगहों से आ रही हैं सामने। तो जल प्रलय जैसे हालात देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आ रहे हैं। जयपुर के बेसमेंट में पानी भरा है, 3 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा कई गाड़ियां भी डूबी हुई हैं, देख सकते हैं आप। सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है, बीच सड़क पर गाड़ियां अंदर धंस गई हैं, बसें फंसी हुई हैं। तो बेसमेंट में पानी भरने से जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में 3 लोगों की मौत। जयपुर में भी दिल्ली की राजेंद्र नगर जैसा हादसा एक सामने आया है। डूब जाएंगे, जल्दी करो। अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जो जारी किया गया है वो डराने वाला है, और क्योंकि अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दहलाने वाली। जयपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है, SMS अस्पताल में पानी भर गया है। सवाई मानसिंह अस्पताल में भारी बारिश से पानी भर चुका है। पानी भरने की वजह से मरीजों की परेशानी काफी बढ़ गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से अस्पताल पूरी तरह से लबालब भरा हुआ पानी से नजर आ रहा है। पानी भरने से मरीजों की परेशानी काफी बढ़ गई है। कल शाम से ही दिल्ली और उत्तर भारत के कई शहरों में जबरदस्त बारिश हो रही है, और ऐसे में जयपुर के SMS अस्पताल की ये तस्वीर, अस्पताल के अंदर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। पानी निकालने के इंतजाम पूरी तरह से हवा हवाई साबित हुए हैं। छत से भी पानी का रिसाव हो रहा है और मरीज जो यहां भर्ती हैं उनके लिए मुसीबतें जमीन से लेकर के आसमान से भी बरस रही हैं। जमीन में जल जमा हो रखा है और छत से पानी टपक रहा है, और ऐसे में मरीजों की मुश्किल है कि जाएं तो जाएं कहां। SMS अस्पताल की दुर्दशा की ये तस्वीरें। कुछ घंटों की बारिश से ही अस्पताल पूरी तरह पानी पानी हो चुका है और मरीजों की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं। कहां तो वो इलाज कराने आए थे, लेकिन यहां नई मुसीबत गले पड़ गई है। जल जमाव के बीच फंसे हुए हैं, ऊपर से पानी टपक रहा है, रिस रहा है, जमीन में पानी पूरी तरह से जमा हुआ है, जल जमाव हो रखा है, और ऐसे में अपने बेड से उतरना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। Z News.